झांसी जिले के नबावत थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राजपूत कॉलोनी शिवाजी नगर में रहने वाली महिला जीनत को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। जानकारी देते हुए जीनत ने बताया कि उसके पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी, जब से ही उसके ससुराल वाले उसको प्रताड़ित कर रहे हैं एवं हक मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत उसने थाने SP ऑफिस एवं DIG से की है। पर सुनवाई न होने के चलते ससुराल वालों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे वह काफी परेशान हो रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जीनत, क्या समस्या है तुम्हारी, क्या चाहती हो आप? हम जी चाहते हैं कि हमें अपने घर वालों से परेशानी है। क्या परेशानी है आपको घर वालों से? हमें ये परेशानी है कि ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं कि दुकान पे बच्चों को चढ़ने नहीं दे रहे, वो पैसों की मांग कर रहे, वो दम दे रहे। क्यों दम दे रहे, क्या बात है? कि चढ़ने नहीं देंगे, भी लोग दमंगी लोग हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या दमंगी, क्या चाहती हो आप उनसे? उनसे जी चाहते कि हमारे बच्चों का मतलब हक दिया जाए, हमारे शोर नहीं है, इसलिए जी लोग हमें परेशान कर रहे हैं। कितना समय हुआ आपके पति को? अभी एक साल है, दूसरी साल चालू है जी। उसकी कंप्लेंट आपने नजदीकी थाने में की थी? हाँ बिल्कुल की, लेकिन उन लोग वो लोग पैसे भर देते हैं, तो इसलिए थाने वालों ने मदद नहीं की और मदद करते भी नहीं है। वे लोग पैसे देते और कुछ मतलब इनकी तरफ बोलते हैं सबसे ज्यादा से ज्यादा। थाने के अलावा कहीं और कंप्लेंट की आपने? हाँ, DIG के पास की, SP ऑफिस में गए थे और बात होती है आपकी उनसे? हाँ, एक दो बार तो बात हुई, एक बार हुई थी बात, दूसरी बार में बात हुई थी, आमने सामने बात हुई थी, फोन पे हुई थी DIG से। तो क्या बोला था, क्या आश्वासन दिया? जी बोल रहे थे कि तुम्हारा ये समस्या पूरी हो जाएगी। अच्छा, अभी कुछ हुआ पता? हमारा कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने हमें बुलाया ना कुछ कहा, मतलब जहाँ थे हम वहीं पे हैं अभी। क्या चाहती हो आप? हम जी चाहते हमारे हक में, हमारे जो हक में लग रहे हैं वो मिला जाए हमें। कौन कौन लोग परेशान कर रहे हैं? नजीम, समीम, इसराल और मेरी सास। सास क्या नाम है? सास का मुन्नी और नजीम देवर का नाम, समीम देवर का नाम, इसराल देवर का नाम। कोई विवाद वगैरह हुआ था क्या उनसे आपको? विवाद वो तो हरदम विवाद करते रहे। कोई विवाद, कोई नया विवाद हुआ था कभी आपका, झगड़ा वगैरह हुआ था क्या उनसे? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपको, बताओ थोड़ा। वो मतलब हमने जो बोला कि दुकान वकान के लिए, तो इसलिए विवाद हुआ। और जैसे कि हमारे हस्बैंड के जो पैसे ऐसे रख लिए थे हमारी लड़की की शादी के लिए थे, 10 लाख रुपए थे। जमीन बेची थी हमने जो मकान बनाया था, वो जमीन बेची थी। तो अच्छा थी, हाँ हमें नहीं मिल रहा, तो कम से कम हमारे बच्चों का हक दिया। धमकी वगैरह आ रही है क्या? धमकी आ रही है, मारेंगे और अब तुम्हारे बच्चों को भी, मतलब उल्टा सीधा बोला जा रहा है। नजीम और समीम, इसी बीच में अगर कोई घटना होती है आपके संग बड़ी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नजीम और समीम। नजीम समीम कौन है आपके? देवर है। अच्छा, हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।